चला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और तारवा बनता गया। आज से 150 वर्ष पूर्व 2 अक्टूबर सन 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर करमचंद और पुतली बाई के घर एक अभूतपूर्व बालक का जन्म हुआ। नाम था मोहन दास। वही बालक आगे चलकर मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना गया, जिसने सत्य और अहिंसा की अलख पूरे विश्व में जागृत की। रविंद्रनाथ टैगोर ने जिन्हें महात्मा से संबोधित किया, सरोजिनी नायडू ने बापू कहके पुकारा और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि। आम सा दिखने वाला यह इंसान अंदर से इतना खास था कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह तक कह दिया था कि आगे आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से यकीन कर पाएंगी कि कभी मांस और रक्त से पूर्ण कोई ऐसा भी इंसान था जो इस धरती पर। सन 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, जहां भारत की तरह ही ब्रिटिश हुकूमत थी। वहां गांधी जी को कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। सही टिकट होने के बावजूद सिर्फ अलग रंग और नस्ल का होने के कारण उन्हें ट्रेन के प्रथम दर्जे से उतार दिया। कोई आम इंसान होता तो शायद भाग कर वापस आ जाता, परंतु गांधी जी 21 सालों तक साउथ अफ्रीका में भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका में बिताया समय कितना महत्वपूर्ण था, ये इस बात से समझा जा सकता है कि एक भाषण में उन्होंने कहा था, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए गांधी जी सन 1915 में भारत वापस लौट गए। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने जो पहला आंदोलन शुरू किया वह था चंपारण सत्याग्रह। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण गए। उन्होंने देखा गोरे जमींदार किसानों से जबरन नील की खेती करवाते, उनके शोषण के कारण किसान बेबस और लाचार थे। मेरे हिंदुस्तान के लोगों की ये कैसी दुर्दशा, कैसा अत्याचार है? क्या किसी भी मनुष्य को यह अधिकार है कि वह दूसरे मनुष्य को जानवरों की तरह जीने पर मजबूर कर दे? आपके ऊपर हो रहा अत्याचार देखकर कलेजा फट रहा है, पर किसान भाइयों, इस अत्याचार के खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी, हमें मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। ये लड़ाई हम सत्य और अहिंसा से लड़ेंगे। हिंसा का जवाब हमें हिंसा से नहीं देना है, तभी हमारी सच्ची विजय होगी। चलते थे वो शान से, साजिब का पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। पर था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए। Oh,
सरकार की समझ में बात आ गई कि इस हिंदुस्तानी फकीर के आगे उन्हें हार माननी ही होगी, और इस प्रकार 100 वर्षों से चली आ रही तिनकटिया कानून को समाप्त किया गया। चंपारण का फकीर बादशाह चल पड़ा एक और लड़ाई लड़ने, सत्य और अहिंसा के बल पर, सद्भाव और एकता की पताका फहराते हुए असहयोग आंदोलन की। भाइयों और बहनों, अन्याय को दूर करने के लिए हमने असहयोग आंदोलन चलाया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है स्वराज पाना। हमें भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें अपने अधिकारों को स्वयं प्राप्त करना होगा। ब्रिटिश सरकार झूठे वादे करके अपना विश्वास खो चुकी है। अगर मेरे दिल में आग है और अगर वही आग आपके दिल में भी है, तो आइए हिंदू और मुसलमान भाइयों एक साथ मिलकर यह प्रण करें कि अब हमें गुलामी नहीं करनी, हमें स्वराज्य चाहिए। स्वराज्य हम लेकर रहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा, आदमी को नमक वैसे ही चाहिए जैसे हवा और पानी। ये नमक हमारे अपने समंदर का है, हर हिंदुस्तानी का इस पर अधिकार है, और इस अधिकार के लिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहे। और इस तरह अहिंसा के इस पुजारी ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए निकल पड़े दांडी की। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा, आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहां तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। 9 अगस्त सन 1942 को भारत को आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बड़ा फैसला लिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका मूल मंत्र था करो या मरो। एक छोटा सा मंत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप इसे अपने दिलों में उतार लें और अपनी हर सांस से इसे उच्चारित करें। यह मंत्र है करो या मरो। या तो हम भारत को आजाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपने को गुलाम देखने के लिए हम जीवित नहीं रहेंगे। भगवान के सामने ये प्रतिज्ञा कीजिए
कि आप तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक स्वतंत्र नहीं हो जाते, और स्वतंत्रता को पाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो। जो अपनी जान देगा उसे आजादी मिलेगी, जो अपनी जान बचाएगा उसे अपनी आजादी खोनी होगी। आजादी कायरों और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। भारत माता की जय। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी जैसे अनगिनत देशभक्तों के आगे ब्रिटिश हुकूमत ने घुटने टेके। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश पराधीनता की बेड़ी से आजाद। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और पूरा देश जश्न में। तेरी साथ हम रखे तेरे जन्म में जब मान।